7 दिसंबर को बनारस में हुए विस्फोटों के कारण सुरक्षा के नाम पे घाट पर घाट से उपस्थित जितने भी जीविकोपार्जन के साधन हैं, जैसे नाव चलाना, फूल माला बेचना, फोटोग्राफी करना, माला की कंठियाँ बेचना, इन सभी लोगों को यहाँ से हटाने की कवायद शुरू हो गई है। सुरक्षा के नाम पे क्या इनको हटाना उचित है? आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। विगत 7 तारीख को जो यहाँ पे बम विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के बाद प्रशासन के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो यहाँ विस्फोट हुआ है, जिसने यहाँ विस्फोट कराया है, आतंकवादी वगैरह जो है, ये सब सारे लोग जो है नाव से आते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पे नाव को हटाया जा रहा है, यही नाव चलाकर अपने परिवार का जो है जीविका चलाते हैं, जिसका पालन पोषण हम लोग करते हैं, और इसी नाव चला के जो भी हम लोगों को पैसा मिलता है, इसी से अपने बच्चों के स्कूल में फीस वगैरह भी जमा करते हैं। अगर हम लोगों की नाव यहाँ से हट जाएगी तो न हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, न दो वक्त की मतलब रोटी हम लोगों को मिल सकेगा। कम से कम 10,000 नाविक लोग हैं, 10,000 नाविक का परिवार जो है इसके अंदर चलता है, जो कि इस घाट से जुड़े हुए हैं। पुलिस वाले भी नया नया आते हैं, इधर भागो उधर भागो, कहीं बैठने की समस्या है, बाल बनाने की समस्या नहीं मिलता हम लोग को। क्या सुरक्षा के नाम पे इस घाट से जुड़े हुए लोगों को हटाना उचित है? और अगर ये सारे लोग हट भी जाते हैं तो बनारस की संस्कृति जो कि इनसे जुड़ी हुई है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बाहर से दुनिया भर के लोग बनारस की संस्कृति में ये सारी चीज़ें देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे घाट पर से क्षत्रिया, ये नाविक लोग और जो भी यहाँ की परंपराएं, जिसके नाम से बनारस को जाना जाता है, अगर ये सब चीज़ें यहाँ से हटा दी जाएंगी तो फिर यहाँ की पहचान, इन घाटों की पहचान खत्म हो जाएगी। और बाहर से भी जो विदेशी लोग, जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यही देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारी रोटी और रोजी की समस्या हो जाएगी, सारे लोग क्या करेंगे। इसलिए हम लोग ये आंदोलन किए हुए हैं कि यहाँ से नाव नहीं हटेगी। हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आज 2 दिन से हम लोग धरने में बैठे हैं, और यह मतलब प्रशासन से, प्रदेश सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं इस धरना के माध्यम से। सुरक्षा के नाम पे घाट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको हटाना कहाँ तक उचित है? अगर उनको हटाया जाता है तो उनका पूरा जीवन ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मैं गुंजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ वाराणसी से, वीडियो वॉलंटियर के लिए।